जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सीधा दंडट मला विशुद्ध बुद्धि लद सौवधा, पिवण सिर से हरया पसियंतु भड़ारया सौवे, तिहुवण भवण पसरिय पच्छ कविवो किरण परिवेडो उयो वियणत वणो अरहंत दिवाय रो जयउ। ओम श्री भगवंत पुष्पदंत भूत बलित पणिदो छखंडागमो श्री वीर सेनाय विरिय धौला टीका संबणिदो तस चौथे खंडे वेणाय कदि अनुयोग द्वारम। कृति अनुयोग द्वार जो 24 महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के 24 अनुयोग द्वारों में जिसका प्रथम नंबर है उसका धवला पुस्तक 9 में वीर सेन आचार्य ने टीका लिखी है। हम धवला पुस्तक 9 का स्वाध्याय कर रहे हैं। धवला पुस्तक 9 का विषय जो कृति अनुयोग द्वार है, अगर उसके कुल सूत्र है 76, 75 में एक और जोड़ दें तो कितने आते 76 सुख है। उन विषयों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले प्रारंभ किए 144 सूत्रों को मंगलाचरण, और ये मंगलाचरण न तो वीरसेन आचार्य ने लिखा है और न भूतबली आचार्य ने, ये तो गणधर गौतम गणधर के द्वारा महाकर्म प्रकृति प्रावर्त में निबद्ध था और वहीं से लेकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस मंगलाचरण में विशेषता क्या है कि अगर हम इनके सूत्रों को देखें तो यहाँ पर जो रिद्धियां होती, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, तप रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि, तो इन रिद्धियों का यहाँ पर जो रिद्धिधारी मुनिराज है उनको वास्तव में नमस्कार किया गया है। रिद्धिधारी मुनिराज कौन कौन से होते हैं मधु जी? अभी भी आए बुद्धि रिद्धि वाले होते हैं, जब अपन पाठ करते हैं ना परमर्षि स्वस्ति मंगल का पाठ करते हैं तो वहां पर अपन रिद्धिधारी मुनियों को नमस्कार करते हैं, यहाँ पर भी उनको ही नमस्कार किया गया है। हमारे स्वाध्याय चल रहा है सूत्र नंबर 2, 3 और 4। तीनों ग्रुप का उषा जैन हमने एक ग्रुप बनाया, उसको कहा अवधि ज्ञानी मुनीश्वरों को नमस्कार हो। अब अवधि ज्ञानी मुनीश्वर में 3 प्रकार के मुनीश्वर हैं, जिनको देशावधि ज्ञान है, जिनको परमावधि ज्ञान है और जिनको सर्वावधि ज्ञान है। सर्वावधि ज्ञान उत्कृष्ट है, उसके कोई ज्यादा भेद नहीं है, एक ही भेद है, मतलब सर्वावधि ज्ञान के कोई भेद नहीं है। लेकिन विशेषता क्या है कि ये अवधि ज्ञान ऐसा है कि एक परमाणु तक को जान सकता है। अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जानता है और रूपी पदार्थ में परमाणु भी होते हैं और स्कंद भी होते हैं। एक परमाणु है और 2 परमाणु से मिलकर अनंत परमाणु तक स्कंद बनता है। तो अवधि ज्ञान में क्या है कि कोई पावरफुल अग्नि ज्ञान कौन है कि जो छोटे स्कंद को जाने, बड़े को जान तो सकता ही है लेकिन जितना छोटे को जाने का उतना अवधि ज्ञान की पावर बढ़ती जाएगी। जैसे अपने चश्मे की पावर क्या, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ सके वो चश्मा ज्यादा पावरफुल है। तो अवधि ज्ञान के जो एक परमाणु को जानने वाला सर्वावधि और उसके पहले का भेद जो परमावधि है, ये दोनों ज्ञान तो चरम शरीर मुनिराज
जो वज्र शब्दाय सेनेट वाले होते हैं और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उनको होता है। देशावधि ज्ञान में क्या है कि ये ज्ञान प्रतिपाति भी है, उससे उसके धारक मुनिराज उस भाव में मोक्ष भी जा सकते हैं, उनका देशावधि ज्ञान छूट भी सकता है। और दूसरी बात क्या है कि देशावधि ज्ञान के भेद है लेकिन ये चारों गतियों के जीव को पाया जाता है, यद्यपि उनमें बहुत अंतर है। मतलब चारों गति मतलब नारकी और देवों में तो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान मतलब नियम से भव के कारण ही होता, भव इसका कारण है। मनुष्य तिरंज में ऐसा नहीं है, मनुष्य तिरंज में क्या गुण प्रत्यय नाम कर्म का है, अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का शैवक्षम से होता भी है, चला भी जाता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे सूत्र में जो बात ली है, क्योंकि हमने कहा अवधि जिनको नमस्कार हो तो यानी मुनिराज को ही हमारा नमस्कार है। अवधि ज्ञान की जो परिभाषा बनती है मुग्धा जी क्या बनती है, द्रव्य क्षेत्र, मुग्धा जी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा सहित जो रूपी पदार्थ को जानता है उसको कहते हैं हम अवधि ज्ञान कहते हैं। रूपी अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, उसकी द्रव्य की सीमा भी है, क्षेत्र की सीमा भी है, काल की सीमा भी है और भाव की भी सीमा है। ये बात अवधि ज्ञान के बारे में बताई। अब इनके क्षेत्र कितना है, क्योंकि जो देशावधि ज्ञान है वो पूरे लोक को जान सकता है, जो अपना नीचे सात राजू, मध्य लोक में एक राजू, फिर ऊपर ब्रह्म लोक पर जाकर पांच राजू और फिर ऊपर सबसे ऊपर एक राजू और उसके उत्तर और दक्षिण में सात सात राजू, पूरा कहें तो 343 घन राजू है। उस पूरे लोक में अब रूपी पदार्थ तो लोक में ही है, उन सारे लोक पदार्थों को जान सकता है, क्षेत्र की अपेक्षा से सीमा हुई। परमावधि सर्वावधि की यदि क्षेत्र की अपेक्षा शक्ति की अपेक्षा सीमा बढ़ गई कि एक लोग के जगह दो लोग तीन लोग असंख्यात लोग को जान सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसमें रूपी पदार्थ है ही नहीं है, वो तो उसकी शक्ति की अपेक्षा से कहा गया कि भाई ये परमावधि और सर्वावधि क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात लोग को जानते हैं। विभा जी आपको एडमिट कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, आप लोगों को थोड़ा चांस देर मिलता भी आएंगे आईटीजी वाले, आपको एडमिट हो रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो क्षेत्र की अपेक्षा से सीमा अपन ने बताई, काल की अपेक्षा से क्या सीमा बताई थी, आप क्षेत्र और काल की बता सकते हैं? हाँ एक मिनट। हाँ हमने कहा कल बताया था कि आवली का असंख्यात भाग देशावधि की जगन्य काल की अपेक्षा से सीमा है, उत्तर सीमा क्या है पल्य, पल्ले में से एक समय घटा दे तो पल्ले की अपेक्षा से सीमा है। तो एक समय कम पल्ले प्रमाण को जानता है। सीमा कितनी? फिर से बोल रहा हूं मैं, आवली का असंख्यात होगा, उत्कर्ष समय कितनी पल्ले, एक समय कम कर दे पल्ले, पल्ले मान लीजिए पल्ले के बराबर है। क्षेत्र की अपेक्षा से क्या सीमा है कि जो सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त जीव है उसकी अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो गई, लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश के बराबर, मतलब लोकाकाश के प्रमाण क्षेत्र को जानता है। अब जो अपनी धवला पुस्तक 9 में है वहां पर कई तरह की शंकाएं लगी, उसमें बड़ी गंभीर शंकाएं हैं, तो उसमें बात क्या उठी है उषा जैन, ये हम आपको बताने जाते हैं, क्या बात क्या चल रही है, आखिर में विषय क्या चल रहा है। जब आचार्य ने कहा कि देशावधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वे घनांगुल का असंख्यात्व भाग है और ये किसकी अवगाहना है कि भाई जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव है उसकी है, तो उसने पूछा कि ये आप कैसे कह सकते हो। तो आचार्य ने कहा कि ये वेदना खंड है, आगे जो आने वाले हम पढ़ने वाले आगे वहां जो सूत्र आए उसकी अपेक्षा से उन्होंने कहा कि ये प्रमाण कहां बताया गया, वेदना खंड में बताया गया। तो वेदना खंड में क्या बताया गया कि महामत्स्य जो होता है उसकी सबसे बड़ी अवगाहना है और सूक्ष्म निगोदय जीव की सबसे छोटी अवगाहना है और उसके बीच में मंजुनी 64 अवगाहना के वेरिएशन हाइट के अंदर उन्होंने स्थान को बता दिए, कहां से बताए वेदना, और उन्होंने ये भी बताया कि एक से दूसरा कितना बड़ा, दूसरा तीसरा कितना बड़ा है, और उसमें बहुत सारे गुणाकार भी आए, कहीं विशेष अधिक है, कहीं स्वस्थान गुणकार था, कहीं परिस्थान गुणकार था। तो इससे क्या हुआ कि उसने जब ये कैलकुलेट किया कि महामत्स्य संख्यात पल्ले है
और ये जो संख्यात मतलब जो है अंगुल है और ये घनांगुल का संख्यात भाग है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप गुणाकार करते हैं तो ये कैसे आ गया, ये बात उसको समझ में नहीं आई। ये बात है ना कि समझ में नहीं आई, तो आचार्य ने उसको समझाने के लिए इसके अंदर जो अंतर पड़ा वह क्यों पड़ा कि ये जो क्षेत्र की अपेक्षा से जो वृद्धि की अवगाहना का स्थान है और उसमें जो हाइट की वृद्धि हो रही है वो एक अनुपात के ढंग से नहीं हो रही है, मतलब लीनियर प्रोपोर्शन में नहीं हो रही है। लीनियर प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि 10 ये बढ़ा तो 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा तो 5, ऐसा नहीं कह सकते कि पहले बेंच में 5 सेंटीमीटर बढ़ा, दूसरे बेंच में और 5 बढ़ गया, तीसरे में 5 बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये कहीं गुणित प्रमाण में है, कहीं पर ये विशेष प्रमाण में है, इस प्रकार से अलग अलग इसका गुणाकार है तो भेद में ये अंतर आ जाता है। अब इसको समझाने के लिए आचार्य ने एक और हमको प्रमेय दिया है जो यहां भी आया और जीव कांड में भी आया, बहुत सुंदर प्रमेय है और आज आप लोगों को हम उसके स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रमेय का अवधि ज्ञान संबंधित, मतलब अवधि ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात करेंगे, क्षेत्र और काल के 19 कांड। आपने नाम सुना है जीव कांड, जिन्होंने कभी पढ़ा होगा, ये 19 कांडक की बात कहां पर आती है मधु जी, अवधि ज्ञान के संबंध में आती है। आपको पता है आपने महाबंध का नाम सुना होगा, उसमें प्रारंभ के जो ताड़ पत्र मिलते हैं ना वो 19 कांडक से मिलते हैं, उसके पहले के ताड़ पत्र नष्ट हो गए। महाबंध ना महाबंध जो छठा है उसके सारे ताड़ पत्र नहीं मिले, मतलब जो सारे से शुरू पड़े कहां से मिले, 19 कांडक से मिले, उसके पहले के नहीं, वहां कुछ नष्ट हो गए थे। अब ये कांडक बताए किसके बताए, अवधि ज्ञान संबंधित क्षेत्र और काल की प्ररूपणा को समझने के लिए क्या बताए, 19 कांडक। अब कांडक का नाम किसे सुना, एक तो क्या बहुत बड़ा कांडक हो गया, मैंने कहा बहुत बड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया हो, हासला हो गया, तो बहुत बड़ा वहां पर तो कांडक हो गया अपन सुनते हैं। दूसरा कांडक अपन ने कहा सुना, ये गन्ने गन्ना खाते हैं अपन लोग, गन्ना आजकल तो नहीं खाते, पहले तो मुंह से खाते थे गन्ना, वो आप गन्ना को लो तो बीच बीच में गांठ होती है, गांठ होती है और गांठ कहते हैं पर्व, तो एक गन्ने के बीच में एक एक ना, जैसे कोई भी गन्ना ले लो तो उसके अंदर मतलब 3 गांठ है तो 4 पर हो गए, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं कांडक। कांडक बोलते हैं पर्व को बोलते हैं, और गन्ने के कांडक की तरह इस तरह से यहां पर क्षेत्र और काल के कांडक बना रहे। और कौन सी गाड़ी चलानी है अपने को, ज्ञान यात्रा करनी, क्योंकि ये सब देख सकता नहीं है, तो अपनी गाड़ी का नाम होगा अवध एक्सप्रेस, देशावधि अवध एक्सप्रेस चलेगी। अभी गाड़ी चलेगी उसमें कितने स्टेशन आएंगे विभाजित, 19 स्टेशन आएंगे, कितने स्टेशन आएंगे, 19 स्टेशन आएंगे। आप भी समझो कि 19 कांड क्या बताएंगे, क्षेत्र और काल की प्ररूपणा करेंगे अवधि ज्ञान के। लेकिन ये कौन सी गाड़ी है, ये देशावधि एक्सप्रेस है। अब इस गाड़ी में आप ज्ञान यात्रा करो लेकिन सबको हाथ जोड़ के खड़े मत रहना, क्योंकि देशावधि ज्ञान में नारकी भी मिलेंगे आपको, आपको देव भी मिलेंगे, भवनवासी देव भी मिलेंगे, वो सब मिलेंगे, मुनिराज भी मिलेंगे, सम्यक दृष्टि जी मिलेंगे, तो भाई सम्यक दृष्टि मिले तो उनको जय जिनेन्द्र बोलना, मुनिराज मिले तो उनको नमस्तु बोलना, है ना, और अवधि ज्ञान तो हो सकता है हरिका माता मिले तो उसको क्या बोलेंगे, वंदा भी बोलना, इच्छा भी मत बोल देना, हरिका माता बोले और इच्छा भी नहीं, एक बार बताया था मैंने चंद्रकांत भाई हरिका माता जी को वंदा भी बोलते वंदना, और तिलक जी शुल्लक जी को इच्छा भी बोलते हैं, मुनिराज को नमस्तु बोलते हैं। अगर उल्टा बोल दिया तो मतलब क्या हो गया, इच्छा मी को उनकी वर्तमान में स्त्री पर्याय, आप स्त्री पर्याय की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप बोलते वंदा मी सबको पता है, ये तो अपन ने बचपन में सीखा, मम्मी ने बताया था, सब जगह बोलते थे हरिका माता को वंदा मी बोलते हैं, लेकिन इच्छा मी क्यों नहीं बोलते हैं, और शुल्लक जी को इच्छा मी क्यों बोलते हैं, कि हमारी इच्छा होनी चाहिए कि पुरुष वेद बढ़कर हम आगे बढ़े, वो तो इच्छा मी हो सकता है, और मुनिराज को क्यों बढ़ चुके तो उनको नमस्तु बोलते हैं, नमस्तु महाराज हरिका माता को इच्छा मी बोलते हैं। तो हम जिस गाड़ी से आपको ले जा रहे हैं उसका नाम क्या है, देशा अवध एक्सप्रेस, इसमें कितने डिब्बे होंगे आपके, 19 डिब्बे होंगे जिनको कहेंगे 19 गाड़ी, इसमें आप हाथ जोड़ के मतलब मुनिराज को देखे तो नमस्तु बोल देना, आरिका को देखे तो वंदा भी बोल देना, शुल्लक जी को देखे
और चंद्रकांत भाई अगर हमको देखें तो जय जिनेन्द्र बोल देना, आप आपस में देखें मधु जी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे उसके, तो बोलना जरूर कोई चंद्र जय जिनेन्द्र वगैरह बोलना, नहीं तो मजा नहीं आएगा इसके अंदर। ये 19 डिब्बों की गाड़ी है। अब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, गाड़ी जब स्टेशन आती है ना तो प्लेटफॉर्म आता है, लेकिन अपने यहाँ पर आपके गाँव में तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एक तरफ होता है, लेकिन कलकत्ता में है, मुंबई में, वीटी में गाड़ी खड़ी रहती है, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म होता है, आशा दोनों तरफ प्लेटफॉर्म होते हैं। कौन सी प्लेटफॉर्म होते हैं, दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो जिस गाड़ी से मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ उसका गाड़ी का नाम तो देशावधि एक्सप्रेस है। 19 स्टेशनों पर आपको ले जाऊंगा मैं आपको। इस गाड़ी में 19 स्टेशन पर दोनों तरफ प्लेटफॉर्म आएंगे उषा जैन, कौन से आएंगे, दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म आएंगे मुग्धा जी। लेकिन एक तरफ का प्लेटफॉर्म पर लिखा होगा क्षेत्र वाला और दूसरी तरफ पर लिखा होगा काल। स्टेशन तो 19 नंबर है, 19 नंबर क्षेत्र, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो 19 नंबर काल, और बीच में डिब्बा बैठा है वहां पर देखें कितने द्रव्य, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्या क्षेत्र है। चलो मैं इसके पहले शुरू करूं, आज का विषय क्या शुरू होने वाला है विभाजी बताओ, अपन बात करने वाले हैं देशा अवधि ज्ञान के बारे में, उसके जो क्षेत्र से और काल से जो भिन्न भिन्न सीमाएं बताई कि जघन्य क्षेत्र कितना है, उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, जघन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल है। एक बार अपन दोहरा तो लेते हैं कि जघन्य क्षेत्र कितना है, कि जो सूक्ष्म लब्धि या पर्याप्त जीव की जो अवगाहना है वह देशा अवधि ज्ञान का सूक्ष्म क्षेत्र है। सबको याद हो गया तो बढ़ू आगे में, कठिन तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। देखो भाई ये तो जीव कांड का विषय है बिल्कुल, अब मैं बताऊंगा आपको याद भी रखना पड़ेगा। और उत्कृष्ट कितना है अवगाहना का, कल बताया था मैंने कि जो उत्कृष्ट के पहले का जो भेद है वो कितना है, कार्मण वर्गणा, कितना है वो, कार्मण वर्गणा। मतलब कार्मण वर्गणा का मतलब क्या हुआ, आशा बहन अपने पास में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र कर्म है कि नहीं है, बंधे हुए आपके हाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्मण शरीर। तो वो कार्मण शरीर मुग्धा जी उसको क्या कहेंगे, कार्बन वर्गणा से बनाओ ना, तो एक कार्बन वर्गणा में जितने परमाणु की संख्या होती है, और हमने पता है उषा दोषी को पता है कि औदारिक से कौन सूक्ष्म होता है, वैक्रिक, वैक्रिक से कौन सूक्ष्म होता है, बोलो बोलो, बोलेंगे तो अपने को क्लियर होगा, औदारिक से कौन सूक्ष्म होता है, वैक्रिक से आर, आर से तेजस, आर से तेजस, तेजस से कर्मण, कभी नहीं बोल दिया। नहीं, परमाणु की संख्या बढ़ती है, सूक्ष्म में हो परमाणु की संख्या बढ़ी है, मतलब औदारिक से वैक्रिक में, वैक्रिक से आहारक में, आहारक से तेजस और तेजस से कर्म, ये तत्वार्थ सूत्र के सूत्र, ये सूत्र बिल्कुल याद रखने। तो ये सूक्ष्म है कर्म, मतलब क्योंकि अवधि ज्ञान क्या था कि अवधि ज्ञान की पावर कैसे बढ़ती है, आपने बोला था कि जो छोटे अक्षरों को जान सके वो चश्मा पावरफुल, तो अवधि ज्ञान कौन पावरफुल है कि जो छोटे छोटे स्कंद को सूक्ष्म को जान सके, तो कार्मण का सूक्ष्म कहां से चला था, अपन अपन चले थे द्रव्य की अपेक्षा, तो कौन सा स्कंद लिया था अपन ने, आई स्पेशली शॉप में तो नंबर 5 लिया था कि 5 नंबर तक के छोटे छोटे अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन आशा बहन को याद है कि द्रव्य की अपेक्षा अपन ने क्या बताया था कि समय प्रबंध लिया था, संचय वाला औदारिक समय प्रबंध लिया था, औदारिक शरीर का, उसको विश्रुत से गुणा किया था, उन लोग प्रमाण में जितने प्रदेशों से भाग दिया था, तो जितने परमाणु की संख्या आई थी वो द्रव्य की अपेक्षा से छोटा भेद है, तो ये भेद बढ़ता जाएगा। तो अपन द्रव्य की अपेक्षा से भेद देखेंगे उत्कृष्ट कितना होगा, कि उत्कृष्ट से पहले वाला भेद कितना होगा, कार्मण वर्गणा को क्या करेंगे, कार्मण वर्गणा लास्ट बटन कितना, कि कार्मण वर्गणा में जितने परमाणु है उतने परमाणुओं को जगन्य देशावधि उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान, देशावधि ज्ञान का जानता है, लेकिन कौन सा वाला है, उत्कृष्ट माइनस एक, जैसे देशावधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा 10 भेद है, तो ये कौन सा भेद हो गया, 9 नंबर वाला भेद हो गया, कौन सा भेद हो गया, 9 नंबर वाला, तो ये कौन सा, कार्बन वर्गणा वाला। और हम जिस संख्या से भाग दे रहे उसको अपन क्या बोल रहे थे, ध्रुव भागा, जैसे क्या बोला था कल 10,000 लिया था और ध्रुव भागा 10 लिया था, तो पहला भेद कितना है 10,000, दूसरा भेद कितना आया था 1,000, तीसरा भेद कौन सा आया था 100, चौथा भेद कौन सा आया था, जोर जोर से बोलो, सही बोल रहे गलत की बात नहीं, चौथा 10, फिर क्या, तो इस तरह से घटते गए ना, फिर उसके बाद भागा से भाग देते जाओगे तो घटते जाएंगे, ये हो गया द्रव्य की अपेक्षा से। क्षेत्र की अपेक्षा से बात कर रहे थे, तो अपने तो अवधि ज्ञान की जो एक्सप्रेस चल रही है
पहले स्टेशन पर क्या है कौन बताएगा कि पहले स्टेशन पर क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो घनांगुल कितना बड़ा, क्षेत्र की अपेक्षा से घनांगुल का असंख्यात होगा। और इधर देखें काल की अपेक्षा देखें कितना देखेंगे, आवली का असंख्यात भाग। ये पहला स्टेशन है। 19वां स्टेशन कैसा होगा कि क्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तो पूरा लोकाकाश होगा और काल की अपेक्षा से देखेंगे तो पल्ल में से एक समय कम कर देंगे। तो आपको मैंने पहला और 19 स्टेशन, मतलब आपको बीटी से बोरीवली जाना है या मुंबई से दिल्ली जाना है, अब बीच के स्टेशन 17 है उसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं, उसके लिए देखिए बात करते हैं। अभी मेरे को इसलिए दिक्कत हो रही है कि हमारे ITG कुछ करना पड़ेगा भैया, रोज की बात हो रही है अपनी, अपने को मिलता नहीं है, ऐसा लगता है कि अपन मतलब जबरदस्ती स्वाध्याय कर रहे हैं, मतलब नहीं तो अपन अपने प्राइवेट पर ज्वाइन कर लें ताकि रोज की बात हो गई है और बिजी है तो अपन तो अपने चैनल पर ही कर लेते ना, कल से मैं अपने पर ही करूंगा, मतलब क्योंकि अब मैं कैसे करूं, मतलब 10 मिनट तक मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया और ना आपके पास में उसकी पुस्तक है, कोई बात नहीं, धवला पुस्तक नो, मैं पढ़ना चाहता था जीव कांड से लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी भी इच्छा हो रही होगी कि अपन अपना प्राइवेट चालू कर दे, इसलिए हो सकता है कि रोज वो लेट कर रहे हैं जी। PDF तो है, चलिए कल तो अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? इसके यहाँ पर देखिए पेज नंबर 24 निकाली धवला पुस्तक में, ये नो पुस्तक नंबर 9 में निकाली है। अच्छा भाई निकला, हाँ निकला, धवला पुस्तक 9 किसी के पास में है? मुर्गा जी आपके पास में बोलिए, 24 नंबर के पेज में निकले, देश अवधि के 19 कांडकों में से नीचे का पैराग्राफ है, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और जघन्य काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज भी नहीं आ रही क्या, नहीं कर पा रहे तो आपको हमारी आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं है ना आपकी, आ रही है, चलो किसी पास से पुस्तक है क्या, नहीं तो मैं ही पढ़ता हूँ फिर, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही हमको। अच्छा आपकी आ रही है, अच्छा आपको आ रही है, देखना पड़ेगा ये भी, हमें सबकी आती है आवाज। पेज नंबर कौन सा बताया सबने? हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अब आवाज आ रही है। देशावधि के 19 कांडकों में से प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के जघन्य काल मत बोलो, चलिए बोलिए, मैं बोलूँ ना, हाँ बोलिए, देशावधि के 19 कांडकों में से प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और जघन्य काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यातवे भाग प्रमाण है। द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम आवली प्रमाण है। तृतीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथकत्व और काल पूर्ण आवली प्रमाण है। रुकेंगे अपनी, देशावधि की ट्रेन चल रही है, पहले स्टेशन से चलेंगे, पहले स्टेशन को बोलेंगे पहला कांडक, 19वें लास्ट स्टेशन को बोलेंगे अपना 19वां कांडक बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, पहला कांडक और 19वां कांडक। इधर प्लेटफॉर्म के एक तरफ स्टेशन पर क्षेत्र की बात करेंगे, इधर काल की बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे, काल की बात करेंगे, पहले में करेंगे जगत ने कितना क्षेत्र था कि घनांगुल के असंख्यात विभाग दुसूक्ष्म लब्धि पर्याप्त का था। अब गाड़े आगे चली तो क्षेत्र की सीमा बढ़ेगी, क्षेत्र की सीमा को अपने क्षेत्र बढ़ता बढ़ता अंतिम स्टेशन में क्षेत्र कितना हो जाएगा, लोकाकाश के प्रमाण हो जाएगा। तो ये 19 स्टेशन में क्या पता चलेगा कि हर एक स्टेशन पर कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, जैसे अपन ट्रेन चलते हैं इंडिया की ट्रेन में तो कोई बड़ा स्टेशन आता कोई छोटा स्टेशन आता, लेकिन ये ट्रेन कैसी है कि पहले से दूसरा स्टेशन में बड़ा क्षेत्र है, उससे और महानगर, उससे महानगर महानगर महानगर, और 19वां स्टेशन कितना लोकाकाश के बराबर क्षेत्र वाला एरिया आ जाएगा, मतलब क्षेत्र बढ़ता रहेगा। तो अपन ने कल बोला था घनांगुल का असंख्यात भाग, अब मैं बोल रहा हूं घनांगुल का संख्यात्व भाग, तो कौन सी संख्या बड़ी है,
देखो संख्या क्यों होती है, संख्या और अनंत, संख्या से असंख्यात बड़ा है, असंख्यात से अनंत बड़ा है। अब अपन ने कहा कि चालुका से क्या घनांगुल का असंख्यात भाव, अब आगे का जो बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा, घनांगुल का संख्यात भाग बढ़ेगा, तो संख्या क्षेत्र बढ़ेगा कि घट गया, बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कम संख्या से भाग दे रहे हैं ना तो लब्ध संख्या ज्यादा रहेगी। बहुत बढ़िया, जैसे 10 को 5 से भाग दें है ना तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन अब 10 को 2 भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। उषा जैन समझ में आता है आपको, अपन किसी भी संख्या को लो 10 से ले तो 10 से 5 को भाग दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 10 को से भाग देंगे तो 2 आया, लेकिन अब छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो संख्या बढ़ गई ना, क्षेत्र बढ़ गया ना, बढ़ गया। ऐसा क्यों कहा अपन ने, अपन ने असंख्यात को माना 5 और संख्यात को माना 2 और जिसमें भाग देना वो संख्या है 10, तो भाग देने वाली 10 किसके आगे पर, घनांगुल, 10 के अपना घनांगुल, असंख्यात क्या है 5, तो घनांगुल का असंख्यात भाग 10/5, तो क्षेत्र कितना आ गया, मैं सरल पिघल लिए 2, घनांगुल कितना माना 10, असंख्यात कितना माना 5, तो 10 में 5 का भाग दिया राशि में 2 क्या हो गया, घनांगुल का संख्यात भाग क्षेत्र हो गया। अब ये बढ़ेगा तो मैंने कहा घनांगुल का संख्यात भाग बढ़ गया, कितना बढ़ गया, घनांगुल का संख्यात भाग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने संख्यात को माना कितना माना, छोटी संख्या है 2 माना, तो क्षेत्र कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब पहले स्टेशन पर अगर आपका क्षेत्र 2 था तो 5 हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। अच्छा, तो जब दूसरा स्टेशन आया तो दूसरे स्टेशन का मतलब पहले स्टेशन का उत्कृष्ट, क्योंकि हर एक कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है, पहला बढ़ रहा है, तो पहले कांडक में जब चालू हुए थे, जब हमने पेड़ रखे थे पहले स्टेशन पर, तो क्षेत्र कितना था, घनांगुल का असंख्यात भाग। पहले स्टेशन का अंत हुआ और दूसरे स्टेशन शुरू हुआ तो कितना हो गया, घनांगुल का संख्यात भाग हो गया। दूसरे स्टेशन का जब अंत हुआ तो कितना हो गया, घनांगुल हो गया। इतना ही पढ़ के रुकेंगे, अब फिर से आपके अंदर पुस्तक है, आप पढ़ेंगे अवश्य समझ में आने वाला है आपको। क्या आ गया मैंने कि पहले स्टेशन का, हाँ क्या हुआ, फिर म्यूट हो गया क्या मेरा, पहले कांडक को फिर से पढ़ो। देशावधि के 19वें कांडक को, देशावधि के 19 कांडकों में से प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और जघन्य काल अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण और उत्कृष्ट काल अवली के संख्यातवे भाग प्रमाण है। द्वितीय कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम अवली प्रमाण है। अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो आगे का सब समझ में आने वाला है। मतलब पहला स्टेशन का क्षेत्र की अपेक्षा कितना है, घनांगुल का असंख्यात भाग है, वो असंख्यात भाग खत्म होके खाली घनांगुल का भाग रह गया तो ज्यादा हो गया। दूसरे कांडक में घनांगुल दुसंख्यात, पहले कांडक के पहले स्टेशन का अंत पॉइंट कितना है, घनांगुल का संख्यात भाग। अब उससे और कम हुआ कम हुआ कम हुआ और दूसरा कांडक शुरू हो गया तो दूसरा स्टेशन का कहां तक गया कि घनांगुल आ गया, कितना गया, घनांगुल आ गया। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। और कल हमने बढ़ा था कि अंगुल से कैसे बढ़ेंगे, कि अंगुल के बाद में क्या आएगा उषा दोषी, हाथ, हाथ के बाद में क्या आएगा, अंगुल, अंगुल के बाद आएगा हाथ, हाथ के बाद में क्या आया था, धनुष, धनुष के बाद में कोष, कोष के बाद में भोजन। तो अब आप देखेंगे क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, घनांगुल के असंख्यात विभाग से शुरू हुआ, फिर घनांगुल आया, घनांगुल के बाद में कुछ घनांगुल, पृथकत्व घनांगुल, प्रथा 3 से 9 तक की संख्या को प्रथागत करते हैं, तो पहले एक घनांगुल आया, फिर कितना आएगा 3, अभी पढ़ेंगे अपन, मतलब बढ़ेगा कैसे, 3 पृथकत्व लिखा रहेगा, अंडरलाइन कर लो, 3 से 9 पृथकत्व हो गए, उसके बाद में कितना हो गया, एक हाथ हो गया, उसके बाद में कितना हो जाएगा, धनुष नहीं आया,
कोष आएगा, कोष उसके धनुष नहीं लिया इन्होंने, कोष आएगा, योजन आएगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते फिर योजन में इन्होंने एक और बनाया, 25 योजन आएगा। क्यों आएगा बताएंगे, एक योजन आएगा 25 योजन आएगा। अच्छा योजन से बढ़े तो अपन कहां चले गए थे, फिर और बढ़ेंगे तो क्या है था अपना, योजन से बढ़ेंगे भरत क्षेत्र आ जाएगा, बड़ा क्या लेंगे, जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप से बड़ा क्षेत्र क्या लेंगे, ढाई द्वीप, और ढाई द्वीप से आगे जाएंगे तो तेरवा द्वीप जहां तक अकत्रिम क्षेत्रालय है। तो अपने को क्षेत्र में बढ़ाना है तो आचार्य ने हमको वो स्टेशन दिए हैं जिनको हम जानते हैं। क्षेत्र के पक्ष से कांटक कैसे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे अपनी गाड़ी जहाँ शुरू होगी मीनाक्षी जी, तो घनांगुल का संख्यात्व भाग, दूसरे स्टेशन का कितना हो जाएगा, घनांगुल हो जाएगा, तीसरे स्टेशन पर कितना हो जाएगा, पृथकत्व घनांगुल हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, कोष हो जाएगा, फिर योजन हो जाएगा, योजन में दो लेंगे, एक योजन और 25 योजन, उससे और आगे बढ़ेंगे तो भरत क्षेत्र बराबर जानने लगेगा, और जानने लगेंगे तो जम्बू द्वीप के बराबर जानने लगेगा, और बड़ा दिखने लगेंगे तो ढाई द्वीप को जानने लगे, ढाई द्वीप क्षेत्र हो जाएगा जानने का उसका, और अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसका तेरवा द्वीप हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, संख्यात द्वीप समुद्र हो जाएगा, असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाएगा, अरे बढ़ते 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 वो पूरा लोकाकाश के क्षेत्र को जानने लगेगा। ये 19 कांडकों की बात आ रही है। इसको थोड़ा सा विभाजी आप बताओ कि क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, अभी आप याद मत करो, मतलब अपने को आसानी से बताना कि पहला स्टेशन में था तो क्षेत्र कितना था, बहुत कम था, घनांगुल का असंख्यात भाग था, फिर दूसरे प्रमाण हो गया, फिर क्या हुआ, फिर कितना हुआ, घनांगुल पृथकत्व हो गया। पृथकत्व का क्या मतलब होता है उषा दोषी, 3 से 9 तक की संख्या को बीच की जो जगह होती है वो 1 किलोमीटर जाना और 10 किलो है ना, 10 किलोमीटर देखा अपन ने, तो 10 किलोमीटर को क्या 8 किलोमीटर लिखा, क्या कहेंगे पृथकत्व किलोमीटर, से 9 किलोमीटर को जाना तो उसको कहेंगे पृथकत्व किलोमीटर। ये भाषा हर जगह आने वाली, 3 से 9 तक की, 3 से 9 को क्या बोलते हैं पृथकत्व किलोमीटर, तो उसका पृथकत्व आ गया, इस तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपने तो अच्छा समझ लिया है, अब मुग्धा जी आप बोलो कैसे बढ़ेगा क्षेत्र का, पहले घनांगुल का असंख्यात्व भाग बढ़ेगा, फिर घनांगुल बढ़ेगा, फिर पृथकत्व बढ़ेगा, घनांगुल का पृथकत्व यानी 3 से 9 के बीच की जो जगह वो बढ़ेगी, संख्या बराबर ऐसे बढ़ता रहेगा। अब आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, चलो पढ़ो अब शुरू फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है सर, अब आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा नहीं, कैसे नहीं आएगा, मैंने 2 दिन से मेहनत की समझाने के लिए आपको, काल और आवली के लिए। अच्छा काल देख लेते, काल कैसे नहीं आएगा, काल कैसे का, आवली का असंख्यात भाग है, फिर आवली का संख्यात भाग, फिर आवली कुछ कम आवली, फिर आवली भिन्न मूर्त अंतर्मूर्त, क्योंकि आवली की कृति भिन्न मूर्त अंतर्मूर्त, ऐसे ऐसे करते करते कहां से चलाएंगे अंतर्मूर्त, क्या तो क्या जाएंगे, आधा एक दिन आ जाएगा, आधा दिन आ जाएगा, एक पूरा दिन आएगा, फिर 15 दिन आ जाएंगे, मतलब आधा मास आ जाएगा, एक मास आ जाएगा, एक वर्ष आ जाएगा, पृथकत्व वर्ष आ जाएंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते काल कैसे बढ़ जाएगा, एक समय कम पल्ले तक बढ़ जाएगा। मतलब स्टेशन 19 है, एक तरफ क्षेत्र बढ़ रहा है, एक तरफ काल बढ़ रहा है, लेकिन काल की यूनिट क्या है, आवली से लेकर पल्ले तक की है, यहाँ की यूनिट क्या है, अंगुल से लेकर लोकाकाश के बराबर है। देखो उषा जैन से सुनना है क्योंकि वो बड़े ध्यान से सुनते, 2 लोग हैं वहां पर, आप बोलो, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे कि आपको 19 सिस्टम पर कितना समझ में आ गया। देखो विभाजी को तो समझ में आ गया, ये जीव कांड के शिविर में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा आशा बहन, इंदौर में पढ़ा होगा आपने, मैं आपको गाड़ी से बता रहा हूँ, और आप लोगों को विभाजी को तो समझ में आ गया, वो इंदौर नहीं गए थे इसलिए मैंने उनको समझाया, आप लोगों को आता बताएंगे आप उषा जैन, तो उषा जैन नहीं बताएंगे तो उषा दोषी को बताना पड़ेगा, आप लोग निर्णय कर लो तीनों मिलकर, दोनों क्षेत्र कांडक में तो क्षेत्र घनांगुल के संख्यात विभाग है, और दूसरे कांडक में घनांगुल का संख्यात विभाग है, और तीसरे कांडक में घनांगुल पृथक घनांगुल पृथकत्व है, और चौथे कांड का क्या मतलब होता है, पृथकत्व का मतलब क्या होता है, 3 से 9 तक का
तीन से नौ की संख्या को पदगत कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे होते हैं पांच घनांगुल जाना, चार घनांगुल जाना, सात घनांगुल क्षेत्र हो गया, तो उनको बोलेंगे पृथकत्व तो घनांगुल हो गया। मतलब घनांगुल हुआ, घनांगुल के बाद में कितना क्षेत्र बढ़ा कि तीन घनांगुल, चार घनांगुल, पांच घनांगुल, तो इसको बोलेंगे पृथकत्व तो घनांगुल। अब घनांगुल के बाद में किसको लिया उन्होंने, सीधा अंगुल के बाद हाथ आ गया पूरा, और हाथ के बाद में किसको लिया उन्होंने, कोस। कोस के बाद में किसको लिया, योजन। योजन के बाद में किसको लिया, भरत क्षेत्र को। नहीं, आप काल में पहुंच गए, हम पहुंच रहे इधर क्षेत्र में, भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाद में ढाई द्वीप, ढाई द्वीप के बाद में तेरवा द्वीप जहां जनरल है रुचकर द्वीप, और उसके बाद में क्या संख्या द्वीप। आगे के नाम याद नहीं है अपने को, क्योंकि भगवान ने बताया नहीं है हमें, तो अभी है नहीं ज्ञान, अवधि ज्ञान। तेरह द्वीप तक तो नाम आता, फिर आगे के नाम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में संख्यात के बाद में असंख्यात द्वीप, और लास्ट में बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, पूरा लोकाकाश के बराबर क्षेत्र। मतलब 19वां स्टेशन कितना है, पूरा लोक के बराबर क्षेत्र वाला हो गया। इधर से काल का कैसे बढ़ेंगे बताइए, बताइए आशय में काल का कैसे बढ़ेगा, आवली का संख्या तो बोली काल बढ़ेगा, जगन्य काल बढ़ेगा, आवली का संख्यात्मा असंख्यात्मा भाग, उसके बाद में आवली का संख्या तो भाग, उसके बाद में घनांगुल काल पूर्ण आवली, एक पूरी आवली, आवली पूर्ण, फिर उसके बाद में एक घन हाथ प्रमाण, फिर आप इधर हो रहे क्षेत्र में, फिर कोष काल में हाथ के बाद में कोष आएगा, कोष के बाद में योजन, योजन के बाद में आशा बहन आप क्षेत्र आदि योजन। अब आप पढ़ रहे हैं काल का, कहीं पर काल पहले लिखा, कहीं क्षेत्र बाद लिखा किताब में, उसको आप क्यों कह रहे हैं, आप तो अपने मन से बोलिए ना, क्योंकि अपन को पता है कि मैंने याद कराई आपको, काल की यूनिट अलग याद कराई है और हाथ क्षेत्र की यूनिट अलग याद कराई है। जैसे काल की यूनिट घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, आवर्स, ये सब ये काल की यूनिट है। क्षेत्र की यूनिट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर। यहाँ पर अपन ने दोनों की यूनिट अलग अलग याद की। बोलो कौन बोलेगा, फिर से बोलती हूँ, आवली का संख्यात्मा भाग, उसके बाद में आएगा कुछ कम आवली प्रमाण, उसके बाद में आएगा पूरी आवली, उसके बाद में आएगा क्या बोलते हैं अंतर मुहूर्त प्रमाण, फिर आएगा भिन्न मुहूर्त प्रमाण, उसके बाद में एक दिन मूर्त, मूर्त आधा मास, फिर एक दिन आएगा आधा मास, एक साल, फिर एक मास, फिर एक वर्ष, फिर वर्ष पृथकत्व। और अब आप वर्ष पृथकत्व बोलते हो, आपको बोलना चाहिए तीन से नौ साल तक, क्योंकि आप लोगों को सबको पता चल बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, पल्ले के इस पल्ले तक बढ़ जाएगा। चलिए मंजू जी जैन, आप आपका मौन व्रत नहीं रह सकता है कर्णानियों की क्लास में, आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप घाट को पर से हो, मतलब घाट से पार हो रहे हैं, संसार रूपी घाट से पार को होने वाले घाट को पर में रहते हैं, जिसको संसार से पार होना होता है ना, घाट को पार होने वाले घाट को पर में रहते हैं। भाई साहब को तो हंसी आ गई है ना, घाट संसार के घाट को जो पार करने वाले हैं वो मुंबई में घाट कोपर में रहते हैं, उनमें हमारे मंजू जी हैं। बोलो मंजू जी, कुछ भी बोलो, क्षेत्र और काल के अपेक्षा कुछ भी बोलो। आपके पास पुस्तक है क्या, आपके पास पुस्तक है क्या, अच्छा मैं बताता हूँ, चलो मैं आपको जीव कांड से बताता हूँ, आप ये पुस्तक दिखेगी थोड़ी देर में, दिखा ये पर आ गया आपको। हाँ जी मंजू जी आया है, अब बढ़ो यहाँ से आगे, क्षेत्र काल का प्रमाण 19 कांडों को मैं कहना चाहते हैं, आगे क्षेत्र काल का प्रमाण, आगे क्षेत्र काल का प्रमाण 19 कांडों में कहना चाहते हैं। कांडक नाम पर्व का है, जैसे सांठे गन्ने की पहली होती है, वह एक गांठ से आगे की गांठ तक जो हो उसे एक पर्व कहते हैं, वैसे किसी विवक्षित भेद से लेकर किसी विवक्षित भेद तक जितने भेद होते हैं उनका समूह उसे एक कांडक कहते हैं। ऐसे देशावधि ज्ञान में 19 कांडक हैं, वहां प्रथम कांडक में क्षेत्र काल का प्रमाण अढ़ाई गाथाओं द्वारा कहते हैं।
रुकेंगे। हाँ मुग्धा जी ने गाथा पढ़ना, अंगुल संख भागम गाथा पढ़िए। असंख वारम तो असंख संखम भागम असंख वारम तो अदधुवगे। चलिए टीका घनांगुल को आवली का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, ऐसे अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण होता है। वह ध्रुव वृद्धि प्रथम कांडक में अंतिम भेद तक असंख्यात बार होती है तथा उसी प्रथम कांडक में अंतिम भेद तक अध्रुव वृद्धि भी असंख्यात बार होती है। उस अध्रुव वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण व घनांगुल का संख्यातवा भाग प्रमाण है। क्या बोला? बड़ी बढ़िया। आवाज कट रही है, एक मिनट में निकाल दो। यहाँ ये पढ़ना है, ये गाथा नंबर 404 से पढ़ना है। हाँ। पढ़िए जदो विसंखे जो अंगुल मावलियंतो आवलियं चांगुल कुधत्तम। कोई और पढ़ना चाहता? विभाजी पढ़िए गाथा को, पढ़ो अंगुल मावलियाए। पढ़िए अंगुल मावलियाए भागम संखे जदो विसंखे जो अंगुल भावलियंतो आवलियं चांगुल पुदत्तम। ठीक है, पढ़िए विभाजी। प्रथम कांडक में, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनागुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है और जघन्य काल आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। उसी प्रथम कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है और काल आवली के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। ऊपर पढ़िए, भाग प्रमाण है। नहीं दिख रहा है सर, ऊपर है। और काल आवलियम लियंत अर्थात कुछ कम आवली प्रमाण है। पुनश्च तीसरे कांडक, पुनश्च तीसरे कांडक में क्षेत्र पृथकत्व घनांगुल प्रमाण है और काल पूर्ण आवली प्रमाण है। बस रुकेंगे, बस रुकेंगे। तो यहाँ पर कितने कांडक की बात बताई? तीन कांडक की बात बताई है। और तीसरे कांडक में क्या हुआ? क्षेत्र हो गया पृथकत्व घनांगुल अर्थात तीन से लेकर नौ की संख्या। दूसरे कांडक में कितना हुआ था? क्षेत्र घनांगुल। पहले कांडक में जो कितना था? घनांगुल का असंख्यात्व। शुरू हुआ था पहला प्लेटफॉर्म तो घनांगुल का असंख्यात भाग। दूसरा जब आया था उसका उत्कर्ष कितना था? कि घनांगुल। तीसरा कितना है? कि पृथकत्व घनांगुल। पहले स्टेशन पर दोनों बात बताइए, जगन्य कितना था, उत्कृष्ट कितना। बाकी का जो पहले का उत्कृष्ट है वह आगे का जगन्य हो जाता है। तो पहले का जगन्य कितना बताया था? घनांगुल का असंख्यात भाग। पहले का उत्कृष्ट कितना बताया था? घनांगुल का संख्यात्व भाग। अब घनांगुल के संख्यात्व भाग से दूसरे कांडक में बढ़ा, एक 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 करके बढ़ा, आगे बढ़ता गया। तो कहां तक बढ़ा? घनांगुल तक बढ़ गया। तीसरे में कहां तक बढ़ गया? पृथकत्व घनांगुल तक बढ़ गया। मतलब तीन से नौ तक के घनांगुल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया क्षेत्र की अपेक्षा से। मतलब देशावधि ज्ञान इतना जानने, क्षेत्र में स्थित जो द्रव्य है उसको जानने वाला हो गया। आवली काल की तरफ कैसे चला? आव पहले पर कितना था? आवली का संख्यात्व भाग। पहले स्टेशन पर आवली का संख्यात्व भाग उत्कृष्ट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? कि उसके बाद में हुआ कि पृथकत्व आवली आगे होगा। तो अब टाइम कम बढ़ और क्षेत्र ज्यादा बढ़ने लग गया। कोई क्षेत्र तो चल गया पृथकत्व घनांगुल तक और काल कितना आया? आवली तक आया। तीसरे कांडक में क्या हुआ?
क्षेत्र ने क्या कहा, क्षेत्र तो क्या पृथक तो घनांगुल, और काल कितना रह गया, आवली रह गया। चौथे में जाएंगे तो काल पृथकत्व आवली होगा, काल पृथकत्व आवली छोटे काल में हुआ है और क्षेत्र पृथकत्व घनांगुल तीसरे कांडक में हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र फास्ट बढ़ रहा है, काल बाद में बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्र की वृद्धि ज्यादा होती है और काल की वृद्धि कम हो रही है। देखो आप चौथा पढ़ेंगे ना, ये चार सौ पांच गाथा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पढ़िए गाथा, पढ़िए मुग्धा जी, आवली चार सौ पांच गाथा। जो एन भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्न नुविसंतु। हाँ पढ़ेंगे ये, और कोई पढ़ेगा आपके सामने, कौन पढ़ना चाहेगा हिंदी में कोई? और मैं पढ़ू ये पुधत्तम पुण हत्थम हते गाउयम मुहूर्तम तु जो एन भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नो विसंतु। बहुत बढ़िया, अब इसकी टीका भी पढ़ लीजिए आप ही पढ़ लीजिए। चौथे कांडक में क्षेत्र एक हाथ प्रमाण और काल प्रतिकृत आमली प्रमाण है। पांचवें कांडक में क्षेत्र एक कोष और काल अंतर मुहूर्त है। छठवें कांडक में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त अर्थात कुछ कम मुहूर्त है। सातवें कांडक में काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र 25 योजन है। देखो यहाँ पर कभी काल पहले लिखा है, कभी क्षेत्र लिखा है, इसलिए आशा बहन जब पढ़ रहे थे ना तो वो क्षेत्र काल में आएंगे। क्या हो रहा है, कहीं पर काल पहले लिखा, कहीं पर क्षेत्र बाल लिखा। ये सातवें कांडक में क्या किया, पहले काल लिख दिया कुछ कम एक दिन और क्षेत्र लिख दिया 25 योजन। पहले लिख रहे थे क्षेत्र, पहले लिख रहे थे और काल लिख रहे थे, कोई बात नहीं है। तो अब अपन कहां पर आ गए, अपना क्षेत्र एक योजन और 25 योजन। मालूम है एक कोष कहाँ का काल है, ये सातवें नरक का है। सातवें नरक के नारकी को देशाब्दी चल रहे हैं और मैंने कहा आप सबको जय इंद्र मत कर लेना, सबको नमस्तु मत कर लेना। तो अभी यहाँ पर जब स्टेशन आए तो पांचवें पद कौन आ गए, आपके सातवें नरक के नारकी मिले हैं। उनका क्षेत्र कितना होता है कि एक कोष के बराबर होता है। वो फिर क्या होगा, छठे नरक वाले का बढ़ेगा, पांचवे का बढ़ेगा, चौथे का बढ़ेगा, दूसरे का बढ़ेगा, और पहले तक आता का आशा में एक योजन हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा, एक योजन। ध्यान रखना कि जब ये कोष और योजन आए तो आप जरा सा दूर ही रहना, मतलब क्योंकि आपको सात नरक की गर्मी लग सकती है, सर्दी लग सकती है। वैसे ये बात है कोरोना वहां पर आपका समाप्त हो जाएगा, इतनी गर्मी में कोरोना वहां पर नहीं चल पाएगा, होगा ही नहीं वहां पर, ठीक है ना। अब जब सातवें नरक तक क्या आ गया, अपना पहले नरक तक क्या आ गया, एक कोष नीचे जाए ना अपन ने, कहा जाए एक कोष। अब उसके बाद में कहां पर आ रहे हैं अपन, अब ऊपर कौन मिलेंगे अपने को, भवनवासी व्यंतर मिलेंगे, क्योंकि चित्रा पृथ्वी में तीन भाग है, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। और उसके नीचे क्या है, रत्न बाबा, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, दम, महात्म। महात्म में कितना था, एक कोष। ऊपर बढ़ते बढ़ते कहां पर आए अपन, अपने अपने अब्बुल भाग में, पहले नरक में आ गए। हम नहीं आए, मतलब ज्ञान की यात्रा कर रहे हैं, अपने को तो जाना ही नहीं है। तो वहां कितना हो गया अपना, एक योजन हो गया। अब ऊपर कौन आएंगे मधु जी, 7,72,00,000 किसके हैं ये, भवनवासियों के, करते हैं ये भवनवासी और व्यंतरवासी है ना। इनमें असुर कुमार नाम के होते, भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, आशा बहन याद है, असुर कुमार, नाग कुमार, ऐसे 10 प्रकार के। व्यंतर कितने हैं, 8 प्रकार के। तो असुर कुमार का कितना हो जाएगा, 25 योजन। कितना हो जाएगा, 25 योजन। पहले नरक का कितना था, एक योजन। असुर कुमार का कितना हो गया, जगन्य से भी देखे, किसका, भवनवासी व्यंतरों का 25 योजन हो जाएगा। और उनका उत्कर्ष कितना हो जाएगा, संख्यात योजन हो जाएगा। आगे चल के बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आगे कांडक में कितना बढ़ जाएगा, संख्यात योजन बढ़ता जाएगा। तो अभी ऊपर कहां चलेंगे भाई, अब तो भरत क्षेत्र में आ गए, हमारे भरत क्षेत्र में अयोध्या में भी आ सकते हैं। तो कौन सा क्षेत्र आ गया, भरत क्षेत्र आ गया। कहां पर आ गया, भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र से बढ़ेगा तो कहां पर जाएगा, आश्रम जम्मू द्वीप तक जाएगा। और जम्मू द्वीप के बाद में जाएगा तो कहां तक आएगा विभा जी, और मुग्धा जी फिर ढाई द्वीप से कहां बढ़ेंगे, असंख्यात समुद्र। और कहां तक जाता रहेगा, लोक प्रमाण हो जाएगा पूरा,
अब और बढ़ेंगे ना तो आपको तो काल भी बढ़ता रहेगा। काल कैसे बढ़ेगा? वर्ष बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ईयर बढ़ेगा, संख्या बढ़ता जाएगा। तो काल का तो अपने को समझ आने वाला है, अपन इसको आगे पढ़ लेते हैं। हाँ चलिए, अब आगे का चार तो छह गाथा पढ़नी। बरहम्मी पढ़िए मुग्धा जी। आई नहीं अभी। बरहम्मी अभी बोला मैंने। साहिय मासम च जम्बुदीवम्मी वासम चे मणुवल्लोए वासिप दत्तम च रुचगम्मी। पढ़िए हिंदी पढ़िए। आठवीं कांडक में क्षेत्र भरत क्षेत्र प्रमाण और काल आधा महीना है। नौवे कांडक में क्षेत्र जम्बुदीप प्रमाण और काल एक अधिक कुछ अधिक एक महीना है। दसवें कांडक में क्षेत्र मनुष्य लोक अढ़ाई द्वीप प्रमाण और काल एक वर्ष है। ग्यारहवें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप और काल प्रतिकत वर्ष प्रमाण है, यथा 3 से 9 वर्ष। तो अपने को याद करना कौन सा है? आठवां नंबर, नौवां नंबर, दसवां नंबर और ग्यारहवां नंबर। किसको याद करना है? आठवां नंबर, नौवां नंबर, दसवां नंबर, ग्यारहवां नंबर। आठवां नंबर कौन सा है? भरत क्षेत्र। नौवां नंबर कौन सा है? जम्बूद्वीप। आगे कौन सा है? जम्बूद्वीप के बाद में ढाई द्वीप, और ढाई द्वीप के बाद में कौन सा नंबर आ गया? रुचिकर द्वीप। रुचिकर द्वीप का कांटेक्ट नंबर कौन सा है? रुचिकर द्वीप 11 नंबर का नहीं है, रुचिकर द्वीप 13वें नंबर का नंबर है, 13वां। कांडक का नंबर है 11वां। कितने याद रखे हैं? 8, 9, 10 और 11। 8, 9, 10 और 11। आठवें पर कौन है? मधु जी ग्वालियर लिखिए। आठवें पर भरत क्षेत्र, नवे पर जम्बूद्वीप। उषा दोषी लिखिए, उषा जैन लिखिए। आठवें पर भरत क्षेत्र, नवे पर जम्बूद्वीप याद हो जाएगा। दसवें पर ढाई द्वीप और ग्यारहवें पर रुचिकर। बराबर है? जब हम आठवें भरत क्षेत्र में थे तो उसका जानने का काल कितना था? आधा मास। कितना था? आधा मास। फिर आगे कितना बढ़ा? एक मास हुआ कुछ अधिक एक महीना। फिर प्रथकत वर्ष, मतलब इस तरह से बढ़ता बढ़ता अंत में कितना आ गया था? प्रथकत्व तक आ गया था। तो काल की हो गई। अब रुचिकर द्वीप के आगे क्या है? अब तो बहुत संख्या समुद्र है, तो पहले संख्या द्वीप समुद्र को जानेगा, फिर असंख्यात को जानेगा, फिर अंत तक किसको जानेगा? लोकाकाश तक जानने लगेगा, और पल्ले के एक समय कम तक की जो है इसकी काल की लिमिट हो जाएगी। तो देखिए, आज हमने ये भी देखा कि अवध एक्सप्रेस में अपन जब ट्रेवल करते थे, अपनी अवध गाड़ी चली थी, 19 स्टेशन थे, एक तरफ प्लेटफॉर्म में क्षेत्र थे, दूसरी तरफ काल था, और द्रव्य की तो अपन जानते ही है कि हर बार ध्रुव भागा और को भाग देते जाए तो आता है। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा कि अपन द्रव्य की अपेक्षा देखें। ये विभाजी हेल्प करेंगे क्योंकि विभाजी ने हमारे द्रव्य प्रमाण अनुगम पढ़ाया है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1 करोड़ में, अच्छा 100 बिंदी होती है, 100 में कितनी बिंदी होती है? 2000 में 3, 10000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 5, 6 और करोड़ में कितनी होती है? 7। करोड़ में कितनी होती है? 7 बिंदी है ना। देखो मधु जी ग्वालियर, आपने तीसरा पढ़ा, कोड़ा कोड़ी सब पढ़ा है, लेकिन कितना जल्दी भूल जाते हैं, कितना जल्दी अपने सब आकाश में चला गया, तो मेरे को याद कराना पड़ रहा फिर से। मतलब 1 करोड़ में 7 बिंदी होती है। इसको अपन कैसे लिखेंगे? 10 के ऊपर घात लगा देंगे, कितनी जाएगी? 10 के ऊपर 7 लगा देंगे। आपको पता है 10 के ऊपर 7 लगा देंगे, 10 के ऊपर 7 जीरो। अब मैं 10 के ऊपर 7 जीरो, 1 करोड़ को 10 से भाग दूं तो कितनी जीरो आएगी? 10 के ऊपर 6 जीरो आएगी। अब 10 के ऊपर 6 जीरो और उसको 10 से भाग दो कितना आएगा? 10 लाख। 10 के ऊपर 1 जीरो कट जाएगी, 10 के ऊपर 5 जीरो है, और फिर 10 से भाग दूंगा तो उषा जैन कितनी आ जाएगी? 10 के ऊपर 4 जीरो है, कितनी आ जाएगी? 4। कोई बोली नहीं रहा? 4। 10 के ऊपर नहीं आया, आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी तो आ रही है। 4 आते हैं बराबर। और अच्छा, 4 का कितना मतलब हुआ? 10,000 हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया? 10,000। 1 10 का भाग देंगे कितना आएगा?
1000 ठीक है, तो 1000 की बात हो गई ना। अब 1000 में कितने जीरो है? तीन। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही। उसको 10 से भाग देंगे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। हाँ, नहीं सुनाई पड़ रही आज। आवाज नहीं सुनाई दे रही है सर। चल, अब आ रही है मेरी आवाज? आपकी तो आ रही है, आपकी तो ठीक आ रही है। मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही बिल्कुल भी? आ रही है आपकी, आ रही है पंडित जी, आपकी तो आ रही है सर, आपकी आ रही है आवाज साफ। अब आ रही है? आ रही है। हाँ ठीक है, तो द्रव्य के भेद कैसे होते हैं? ध्रुव भागार से भाग देते जाएंगे, छोटा 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 स्कंद ऐसा होता जाएगा। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर देशावधि गान के काल और क्षेत्र के बीच के भेद भी देखे। परमावधि उसके आगे का उत्कृष्ट ज्ञान है, तो परमावधि का ज्ञान के भेद कैसे बताएंगे कि भाई एक लोक को जान लिया काल से तो अब कितने जानेगा कि वो आगे असंख्यात लोक तक को जान सकता है, लेकिन उसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि एक लोकाकाश में रूपी पदार्थ है, तो परमावधि का वास्तव में उसी लोकाकाश में पड़े हुए रूपी पदार्थ को जानता है। तो फिर आशा बेन, देशावधि परमावधि में अंतर क्या हुआ? मतलब प्रश्न देखो, हमारे विभा जी का प्रश्न आ गया कि जब भी लोग जानता तो फिर उसको ग्रेट क्यों कहे? अपन परमावधि को ग्रेट कह रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि मुनिराज को होता है उसको मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन क्यों ग्रेट कहे? तो ग्रेट क्या कहे? जानता होगा सर, सूक्ष्म को जानता होगा। हाँ, सूक्ष्म द्रव्य की अपेक्षा से उसमें मानता है कि छोटा 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 क्षेत्र की अपेक्षा से बराबर है। मतलब देशावधि का उत्कृष्ट भी लोक है और यद्यपि शक्ति बढ़ गई है परमावधि की, लेकिन जानता तो लोक के अंदर है। तो क्या अंतर हुआ कि वो लोक के अंदर देशावधि से भी और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म स्कंदों को जानता, द्रव्य की अपेक्षा से स्कंदों में सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी और कितनी बढ़ती जाएगी कि अंत में जो सर्वावधि होगा वह एक परमाणु को जानेगा, परमाणु को जानेगा। इस प्रकार से ये तो उन्होंने बताया, सिर्फ प्ररूपणा की थी, लेकिन बात तो चल रही थी। जब हमने कहा कि देशावधि जिनको नमस्कार हो, तो शंकाकार ने पूछा, नहीं 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 रुकिए, पहले बड़ों को नमस्कार किया जाता है, फिर छोटों को नमस्कार किया जाता है। पहले आपको सर्वावधि को नमस्कार करना चाहिए, फिर आपको परमावधि को नमस्कार करना चाहिए, फिर आपको देशावधि को नमस्कार करना चाहिए, ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसा शंकाकार आचार्य से प्रश्न पूछता है कि आपने पहले जितेंद्र भगवान को नमस्कार किया, बहुत बढ़िया, उसके बाद में आपको किसको नमस्कार करना चाहिए था? सर्वावधि जिनको नमस्कार करना चाहिए था, उसके बाद में किसको नमस्कार करना चाहिए थे? परमावधि को। उसके बाद में किसको करना चाहिए था? देशावधि को। तो आचार्य ने कहा कि जब तक देशावधि को नहीं जानेंगे, उनके भेद को नहीं समझेंगे, तो हमको परमावधि की महिमा नहीं आएगी कि परमावधि की परमावधि से महिमा बताने के लिए। जैसे अपने पद्म पुराण में पहले 100 पेज में रावण की बात की, किसकी बात की? रावण की बात की 100 पेजों तक, और नाम लिखा उसमें राम, मतलब रामचंद्र जी का पुराण बताना था, तो सीधे राम की बात करते, सीधे अयोध्या ले चलते, उनके बारे में बताते कि नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले राम को बताया अर्ध चक्रवर्ती था, रावण ऐसा बड़ा था, विद्याधर था, इंद्र भी कांपता था, सारी प्रजा थी, लंका सोने की लंका थी, ऐसे महान पराक्रमी वीर योद्धा रावण को राम ने जीता। अपने लक्ष्मण ने जीता, लेकिन उस जीत में रामचंद्र जी की जीत हुई थी, तो महत्व आएगी। तो कहेंगे रावण कौन था? छोटा सा था क्या कि बड़ा था? तो इतने बड़े पराक्रमी रावण को जीता। तो हमने पहले बताया कि देशावधि के इतने भेद होते हैं, इन देशावधि के परमावधि के भेद तो वास्तव में असंख्यात में होते हैं, वनों में असंख्यात में होते हैं। तो ये बात बताने के बाद में
तो उन्होंने बताया क्यों क्रम रखा गया। और इस प्रकार अपन ने जो पहला स्थल था मंगलाचरण के, उसके तीन सूत्र दूसरे तीसरे और चौथे में अवधि ज्ञान के बारे में समझा। कल इस विषय को अपन समाप्त करके हम पांचवें सूत्र पर जाने के करेंगे। अब इस पर सिर्फ जो है कल चर्चा है, अभी अपन रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि अपना समय हो चुका है ना शाम के लिए। आप लोग कर सकते हैं जिनवाणी शुद्ध कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो एक मिनट पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए सर, ये दो तीन पेज आप है ना पोस्ट कर देंगे क्या, तो हम लिख लेंगे एक सर का। हाँ लिखेंगे, बराबर लिखेंगे ये। अब चाहे तो आप अपनी धवला पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं जहां से अपन पढ़ रहे थे ना, ये जो ना ये मैंने आपको जीव कॉन्शियस ने पढ़ा है कि थोड़ा आपको है ना वो हो जाए, लेकिन ये धवला पुस्तक में भी है। ये देखिए यहाँ पर है, धवला पुस्तक में शुरू किया था ना, पेज नंबर 35 पे है, पेज नंबर हाँ, तो वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे कांडक मिल जाएंगे। और हाँ, और जीव कांड में अगर आपको पढ़ना है तो जीव कांड में मैंने आपको गाथा बताई थी 406, 405, 404 गाथा है, ये डॉक्टर उगला शाह की पुस्तक है, पेज नंबर 530, तो वो भी लिख सकते हैं आप। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका से भी पढ़ सकते हैं, गाथा नंबर हमने आपको बताई दी है, और यह आप जो है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दोनों में विषय एक ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों का विषय बराबर है। तो ये ज्ञान मार्गणा का भेद है, ज्ञान मार्गणा जीव कांड की, वहां पर अवधि ज्ञान के 19 कांडक आए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार अगर आप देख लेंगे, और कल किसी को कोई स्पष्ट नहीं हो, लेकिन यहाँ पर इसका विषय नहीं है, विषय तो वर्गणा खंड में आने वाला है, यहाँ तो सिर्फ उसको उदाहरण के रूप में लिया है, उदाहरण के रूप में लिया, क्या बताने के लिए कि जगन्य क्षेत्र कितना बड़ा है उसका एक अपने को थोड़ा आइडिया देने के लिए इतनी बड़ी बात की है। बाकी इसका विस्तार तो वहां पर आएगा, कहां पर आएगा, वर्गणा खंड में आएगा, वेदना खंड में आएगा, वेदना खंड में भी आएगा, कई बातें वर्गणा खंड में भी आने वाली है। मैं मंजू से पूछना चाहूंगा, मंजू जी कैसा चल रहा है आपका स्वाध्याय? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। चंद्रकांत भाई मंजू जी घाटकोपर में रहते हैं, इन्होंने कोरोना काल में पहले स्वाध्याय करना शुरू किया, कोरोना काल में, और वो भी कहने पर, कहते बहुत कठिन पड़ता, और एक भी दिन क्लास नहीं की तो 2-3 साल में सब ग्रंथ पढ़ डाले। और इतना नहीं है, इन्होंने अपने जो ग्रैंड सन है, नानी है, दादी है, तो कोई अमेरिका में, टेक्सस में है, कोई अलग अलग जगह है, एक दुबई में है, सबको भी पाठशाला में जुड़ा दिया। मतलब इतना है कि खुद तो लगे ही है, इनके कुछ जो पोते नाती पोते, मतलब दोनों नानी वगैरह, कहीं आयरलैंड में रहते हैं, मतलब यूरोप में रहते हैं, कोई दुबई में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहते हैं, कम से कम 5-6 बच्चे हैं, उन सबको मेरे से पहले 2-4 महीने क्लास करवाई, स्पेशल क्लास करवाई। अब तो और फिर उनको सिद्धम पाठशाला में जोड़ दिया, इधर उधर जोड़ दिया, और खुद भी मतलब बराबर करते हैं, और उन्होंने पूरे बराबर करते हैं। बहुत बहुत अनुमोदन आपके स्वाध्याय के, और बहुत बढ़िया। चलिए हाँ नहीं नहीं चलिए अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं ना, समय में फिर शाम को फिर मिलना है ना। नवामी के ज्ञान से तुझे लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो नो बार नमो कर मंत्र सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कैसे मलिक साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आप भी ध्रुवधाम बासवाड़ा से मतलब बराबर है, बहुत अच्छा। कहाँ गई दीप्ति? दीप्ति जी को बोलिए ना, दीप्ति जी की अब्सेंट लग रही है। दीप्ति जी बहुत बढ़िया, चलिए जय जिनेंद्र।